हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। तो सबसे पहले हमारा एक वर्ड है स्कार, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक स्थायी प्रभाव, मतलब लंबे टाइम तक बनने वाला प्रभाव बोल सकते हो किसी चीज का, जो कि किसी नुकसान की वजह से पैदा हुआ है या फिर किसी दर्द की वजह से पैदा हुआ है या फिर किसी निशान को भी आप स्कार बोल सकते हो। जैसे कोई भी चोट लग जाती है या फिर घाव लग जाता है, वो ठीक होने में बहुत टाइम लेता है, तो वो ठीक होने के बाद भी वो निशान रह जाता है, तो उसे स्कार बोलते हैं। अब ये जो निशान है वो हमारे शरीर पे दिखता है तो उसको स्कार बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निशान भी होते हैं जो हमारे शरीर में दिखते नहीं है, जैसे कि जो मानसिक लेवल पर होते हैं, जो मेंटली होते हैं, मतलब मेंटली हमें चोट लगती है, तो ऐसे निशान भी स्कार बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, मार्क, वुंड, ब्लेमिश, स्क्रैच, इम्प्रिंट, और एंटोनिम्स हैं हील, अनमार्क, प्योरिटी, सूडनेस और रिन्यूअल। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए, द स्कार ऑन माय हैंड रिमाइंड्स मी ऑफ द चाइल्डहुड एक्सीडेंट, मतलब जो मेरे हाथ में स्कार है, जो मेरे हाथ में निशान है, वो मुझे याद दिलाता है ऑफ माय चाइल्डहुड एक्सीडेंट, जो भी मेरे बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो उस हादसे की मुझे याद दिलाता है वो जो स्कार है। शी ऑलवेज हाइड्स द स्कार ऑन हर फोरहेड विद हर हेयर, मतलब वो हमेशा छुपाती है अपने स्कार को, अपने निशान को जो कि उसके माथे पर है। अब ये निशान किसी चोट की वजह से हो सकता है उसके जो माथे पर है, तो वो अपने बालों की सहायता से हमेशा अपने माथे पर जो चोट का निशान है वो छुपाती है। द पॉलिटिकल स्कैंडल हैज लेफ्ट स्कार्स ऑन पार्टीज रेपुटेशन, मतलब जो पॉलिटिकल स्कैंडल है या फिर जो पॉलिटिकल घोटाले हैं, उन्होंने वो निशान छोड़ दिए हैं या फिर वे ऐसे धब्बे छोड़ दिए हैं ऑन पार्टीज रेपुटेशन, जो पार्टी की रेपुटेशन थी, जो पार्टी की इमेज थी उसके ऊपर। अगला वर्ड है हमारा फिसर, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है रेखाएं बोल सकते हो या फिर दरारें बोल सकते हो, मतलब एक ऐसी दरारें या फिर ऐसी रेखाएं जो मतलब गहरी होती हैं। आमतौर पर ऐसी सोसाइटी की वजह से हमें रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं या फिर दरारें मिलती हैं, या फिर जो रिश्ते होते हैं उनमें भी जो दरारें आ जाती हैं, उनमें भी जो मनमुटाव आ जाता है, उनमें भी जो मतभेद आ जाता है या फिर जो अलगाव वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस सिचुएशन को भी फिशर बोला जाता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जैसे कि क्रैक, स्प्लिट, गैप, क्लेफ्ट, डिविजन। एंटोनिम्स हैं यूनिटी, हार्मनी, रिपेयर, क्लोजर और कनेक्शन। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, फिशर्स अपीयर्ड इन अ फ्रेंडशिप आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो फिशर्स थे या फिर जो भी दरारें थी वो दिखाई दी हमारी दोस्ती में आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी जो भी गलतफहमी हो गई थी हमारे बीच में, तो उसके बाद हमारी दोस्ती में जो भी फिशर्स थी, जो भी दरारें थी वो दिखाई दी। द वॉल हैज स्मॉल फिशर्स ड्यू टू द अर्थक्वेक, मतलब जो दीवार थी उसमें स्मॉल फिशर्स थे, छोटी छोटी दरारें थी, किसकी वजह से ये दरारें आई, वो अर्थक्वेक की वजह से दरारें आई या फिर जो भी भूकंप आ गया था उसकी वजह से ये दरारें आ गई। पॉलिटिकल फिशर्स इन द पार्लियामेंट हैव इंटेंसिफाइड द क्राइसिस, मतलब जो पॉलिटिकल फिशर्स होती हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल दरारें होती हैं इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी पॉलिटिकल दरारें होती हैं, हैव इंटेंसिफाइड, वो बढ़ावा दे चुकी है या फिर वो और भी ज्यादा गहरा कर चुकी है, किसको, क्राइसिस को, जो भी संकट आ गया है उसको और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। अगला वर्ड है हमारा ट्यूमल्टुअस, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उपद्रव बोल सकते हो, थोड़ा सा डिटेल से आप समझ सकते हो, एक अशांति वाली सिचुएशन बोल सकते हो या फिर अव्यवस्था वाली सिचुएशन बोल सकते हो। और थोड़ा सा डिटेल से समझिए, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हलचल पैदा हो जाती है या फिर बेचैनी हो जाती है या फिर स्टेबल नहीं रहती, तो उस सिचुएशन को आप ट्यूमल्टुअस बोल सकते हैं। स्पेशली आप इसको सामाजिक जो उथल पुथल होती है उस चीज को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर राजनीति में जो भी उथल पुथल होती है, जो भी अव्यवस्था से भरी हुई सिचुएशन होती है, जो भी अशांति से भरी हुई सिचुएशन होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए, केओटिक, टर्बुलेंट, नॉइजी, डिसऑर्डरली, एजिटेटेड। एंटोनिम्स हैं काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, ऑर्डरली, स्टेबल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि आफ्टर द ट्यूमल्टुअस मीटिंग एवरीवन नीडेड अ ब्रेक, मतलब एक ऐसी मीटिंग के बाद या फिर एक अशांत मीटिंग के बाद जिसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा बेचैनी थी, बहुत ज्यादा हलचल थी, तो ऐसी मीटिंग के बाद हर किसी ने ब्रेक लिया या फिर हर किसी को ब्रेक की जरूरत थी। हर लाइफ हैज बीन ट्यूमल्टुअस सिंस द न्यू जॉब स्टार्टेड, मतलब उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जो लाइफ थी, उस लड़की की जो लाइफ थी वो अशांत हो गई है या फिर उसका जो जीवन है वो अशांत हो गया है सिंस द न्यू जॉब
स्टार्टेड, जब से उसकी जो नई नौकरी है वो स्टार्ट हुई है। द ट्यूमल्टुअस प्रोटेस्ट इन द सिटी ग्रैब्ड इंटरनेशनल अटेंशन। जो एक प्रोटेस्ट है जो कि अशांति से भरा हुआ है, या फिर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो कि हलचल से भरा हुआ है, या फिर उथल पुथल से भरा हुआ है शहर के अंदर, ग्रैब्ड इंटरनेशनल अटेंशन। उस प्रोटेस्ट ने, उस विरोध ने इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब कर लिया है, या फिर जो भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान है उसको आकर्षित कर लिया है। अगला वर्ड है हमारा केओस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से अव्यवस्था वाली जो सिचुएशन है, या फिर भ्रम वाली जो सिचुएशन है उसको केओस बोल सकते हैं। या फिर थोड़ा सा डिटेल से अगर मैं समझाऊं, जैसे एक सिचुएशन है जहां पर अनुशासन नहीं है, या फिर किसी चीज को लेकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, या फिर किसी चीज को लेकर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, तो उसको केओस बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हैं जैसे कि डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, पैंडेमोनियम, टर्मोइल, डिसएरे। एंटोनिम्स हैं ऑर्डर, हार्मनी, सिस्टम, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द किचन वॉज इन केओस आफ्टर द पार्टी, मतलब पार्टी हुई थी हमारे घर में, तो पार्टी होने के बाद हमारे घर की जो किचन थी वो केओस वाली सिचुएशन में थी, या फिर अराजकता वाली सिचुएशन में थी, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, या फिर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था, या फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, उसमें अनुशासन नहीं था, ऐसे बोल सकते हो। देयर वाज केओस एट द स्टेशन ड्यू टू द ट्रेन डिले, मतलब वहां पर केओस हो गया था स्टेशन पर, मतलब आप बोल सकते हो अराजकता वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, या फिर अनुशासन जिसमें नहीं होता, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ड्यू टू द ट्रेन लेट। ट्रेन लेट हो गई थी, ट्रेन डिले हो गई थी इस चीज की वजह से। पॉलिटिकल केओस इरप्टेड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब पॉलिटिकल केओस इरप्टेड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन फैल गई, एक पॉलिटिकल अराजकता वाली सिचुएशन फैल गई आफ्टर द रेजिग्नेशन, मतलब रेजिग्नेशन के बाद, या फिर इस्तीफे के बाद किसके, प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कठिन परिस्थितियों से, कठिन से सिचुएशन से उभरने की जो क्षमता होती है, या फिर अपने आप को मजबूत बनाए रखने की जो क्षमता होती है, या फिर बोल सकते हो उस सहनशीलता को आप रेजिलियंस बोल सकते हो। सिनोनिम्स है जैसे कि एंड्योरेंस, टफनेस, परसीवरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी। एंटोनिम्स हैं फ्रेजिलिटी, वीकनेस, रिजिडिटी, वल्नरेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। और यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। हर रेजिलियंस ड्यूरिंग टफ टाइम्स इज इंस्पायरिंग, मतलब उसकी जो सहनशीलता है, या फिर उसका जो लचीलापन है, मतलब आप बोल सकते हो कठिन से सिचुएशन को उभरने में उसकी जो सहनशीलता है ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मतलब जो भी कठिन टाइम होता है उस टाइम पर, इज इंस्पायरिंग, वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, मतलब एक लंबी बीमारी के बाद, हिज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम रिकवर, मतलब उसका जो रेजिलियंस थी, या फिर उसकी जो सहनशीलता थी, उसको उसने मदद की रिकवर होने में, या फिर उस लंबी बीमारी से उभर पाने में उसकी जो रेजिलियंस थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, या फिर उस रेजिलियंस ने ही मदद की उसकी। द कंट्रीज रेजिलियंस आफ्टर द अर्थक्वेक इज कमेंडेबल, मतलब कंट्री की जो रेजिलियंस है, या फिर जो देश की सहनशीलता है, या फिर कठिन से सिचुएशन को फेस करने के बाद उभर पाने की जो सहनशीलता है कंट्री की, आफ्टर द अर्थक्वेक, मतलब जो भी भूकंप आ गया उसके बाद, वो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटरिक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभावी बोलने की कला जो होती है, या फिर अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बोलने की कला जो होती है उसको रेटरिक बोल सकते हैं, या फिर अच्छी तरीके से, या फिर प्रभावी रूप से लिखने की जो कला होती है उसको रेटरिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम से जैसे कि ऑरेटरी, एलोक्वेंस, पर्सुएशन, डिस्कोर्स, एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स हैं साइलेंस, सिंप्लिसिटी, ब्लंटनेस, रेटिसेंस, इनआर्टिकुलेटनेस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। हर रेटरिक इन द डिबेट वॉन हर द कॉम्पिटिशन, मतलब उसकी जो एक कला थी बोलने की, या फिर जो एक प्रभावी ढंग से बोलने की जो कला है उसकी डिबेट में, या फिर जो भी बहस चल रही थी उसमें, उसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन में जीत गई। ही यूजेस रेटरिक टू मोटिवेट हिज टीम, मतलब उसकी जो रेटरिक है, या फिर बोलने की जो कला है, वो मोटिवेट करता है, या फिर वो बहुत ज्यादा प्रेरित कर देने वाला है अपने टीम के लिए। द पॉलिटिशियंस रेटरिक ड्यूरिंग द स्पीच स्टर्ड द क्राउड, मतलब जो पॉलिटिशियन की बोलने की कला है ड्यूरिंग द स्पीच, स्पीच के टाइम पे जो बोलने की कला है, वो भीड़ को प्रेरित कर दिया उस चीज ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पैरिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है असमानता, या फिर किसी चीज में अंतर, या फिर
किसी चीज में भिन्नता को आप डिस्पैरिटी बोल सकते हो। यहाँ पर सिनोनिम्स हैं जैसे कि इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, गैप, डिफरेंस और डाइवर्जेंस। एंटोनिम्स हैं इक्वालिटी, बैलेंस, पैरिटी, यूनिफॉर्मिटी और सिमिलैरिटी। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम पोजिशन। मतलब एक ही पोजिशन में जो भी एम्प्लॉयज की सैलरी होती है या फिर समान पद पर जो भी एम्प्लॉयज की सैलरी होती है उसमें असमानता है या फिर उसमें डिस्पैरिटी है। द डिस्पैरिटी इन ट्रीटमेंट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज एविडेंट। मतलब जो भी ट्रीटमेंट में असमानता है, जो रिच पर्सन होता है उसके ट्रीटमेंट में और जो पुअर पर्सन होता है उसके ट्रीटमेंट में जो भी डिस्पैरिटी है या फिर जो भी असमानता है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।